हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन हम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि किंजल के मामा जो है, सगे मामा, उनके शादी में हम जाने वाले थे, तो वहाँ पर हमारी तबीयत अप डाउन थी, इसलिए नहीं जा पाए। निमोनिया था, तो उसको निमोनिया था, उसके बाद स्वाइन फ्लू हो गया, तो उसकी बॉडी पूरी रिकवर करके घर पे अभी ला रहे, और हम भी वहाँ पर जा रहे नेसड़ी, तो हम भी नेसड़ी जा रहे और वहाँ पर सबसे मिलेंगे। और एक छोटी उम्र में यह सब हो जाना, ये बहुत ही दुखदायी होता है। घर पे अभी 15 दिन भी नहीं हुए, और उनके तीनों, दो बेटी और एक बेटे, तीनों की एक साथ शादी की, शादी में जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए ना, हम नहीं जा पाए। और वो उतनी छोटी ज़मीन थी, 7 बीघा ज़मीन में पूरे शादी का खर्चा ये वगैरह सब निपटाया उसने, बड़ी मेहनत करके पूरा ये बच्चों को शादी करके विदा करना, वो बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। तो 15 दिन पहले ये उन्होंने उसका फ़र्ज़ निभाया, और 15 दिन के बाद जब अभी रिलैक्स होने का टाइम आया, खुशी का दिन आया कि भाई अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, तो उसी दौरान उनको हॉस्पिटल में लेकर गए थे। क्योंकि शादी वाला, मैं इसलिए पहले से बोलता हूँ कि शादी में 3 दिन 4 दिन ये जो फूड होता है ना, वो सही में बोलता हूँ, हम अपने मेहमान को ऐसा फूड देते हैं जो उनकी तबीयत बिगाड़े, इससे अच्छा है कि थाक लगा था मामा को। थाक भले कितना भी, किंजल में बोलूँ कि थाक कितना भी लगे, लेकिन अंदर फूड सही होगा ना, तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अभी शादियों में भी ऐसा खाना हो गया ना कि बहुत ही तकलीफ होता है, जलन होती है, बड़ी हुई उधर से, इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार, एक महीनों रुक देते मैं वहाँ बैठा देते। तो मामा का घर सबको याद आता है, मेरे मामा घनश्याम मामा है तो मुझे सबसे प्यारे हैं, तो जब भी उनको देखता हूँ ना तो माँ की छवि उनके अंदर नज़र आती है, इसलिए मैं उनको फ़ोन करके बोलता हूँ कि आप आइए आइए, बहुत याद आते हैं। तो आज अभी हम जा रहे हैं नेसड़ी, और उनके मामा के यार, उनकी मम्मी भी घर से, विशाल, मेरे ससुर जी, सब लोग आ रहे हैं, और हमारे हिस्से से हम जितना हो सकते उनकी हेल्प करेंगे, और उनका ये अंतगढ़ भी हम ऐसे विफल नहीं जाने देंगे, और हम साथ हैं उनके, और अभी जा रहे हैं, उनकी देन क्रिया करके सब लोग घर पे आए होंगे, और अभी भी हम जल्दी जल्दी पहुँच रहे, और जब पानी डोड़ होगा तब भी हम जाएँगे। तो किंजल, वो मामा का घर होता है वो हम कभी नहीं भूल पाते, वो हमारे लाइफ टाइम में जैसे ऐसी यादें हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते। मैं भी मेरे मामा के घर से आना होता था ना, तब बहुत ही याद आते थे, मतलब नहीं भूल पाते, बहुत ही वो प्यारा घर होता है हमारे लिए, आप सबके लिए भी मामा का घर जो है ना, वो बहुत ही दिल से प्यारा होता है, प्यार ही इतना मिलता है, जो घर पर प्यार नहीं मिलता वो मामा के घर पर मिलता है, क्योंकि कोई नहीं डांटता, बहुत लाल दुलार प्यार ही करते, इसलिए मामा का घर बहुत ज्यादा। मैं भी बड़ी थी तो मैं मामा के घर महीने रुकती थी, मैं अमरेली आती भी नहीं थी, जब भी अमरेली जाना होता है ना तब मुझे 2 दिन से मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, रोने लगती हूँ, अच्छा नहीं लगता अमरेली, इतना अच्छा लगता था मुझे मामा के घर, वहाँ पर बहुत ही उसने अच्छे दिन बिताए। तो कोई बात नहीं किंजल, ये सुख दुख, मेरी मोम भी गए, तो हमें उसके पीछे आंसू नहीं बहाना है, उसको मोक्ष करता करना है, बंधन करता नहीं। हम वहाँ पर जाएंगे तो ऐसी बात, हम वहाँ पर जाए तो ऐसी बातें और इतना ज़्यादा रोना धोना करोगे तो उनकी आत्मा को ठेस पहुँचेगा, इसलिए जब भी हम जहाँ पर जाए भगवान को याद करके उनको याद करना है, ताकि उनका जीव है वो सद्गति पामे। उसके पीछे हम जितना रोएंगे, हमारे आचार्य महाराज लालजी महाराज ने मुझे मेरी मोम के टाइम वही सिखाया कि उसको मोक्ष करता करना है, बंधन करता नहीं, जितना हम ज़्यादा रोएंगे, जितना हम उसके पीछे आंसू बहाएंगे, उतना ही उनका हम में बंधन होगा और वो जीव जो है भटकता रहेगा, फिर हम धीरे धीरे भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूल पाएगा, इसलिए प्यार से हमें जाना है और भगवान को प्रार्थना करने की उनकी मोक्ष हो जाए, हाँ शांति हो जाए बस, इसलिए ठीक है हम चलते। अभी तुम्हारे मोम सब निकल गए, तो मेरे सासू ससुर जी सब निकल गए, तो हम भी उसके पीछे पीछे हम जाते, चलिए अभी हम निकलते हैं। और एक बात आपके लिए भी कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और जब हमसे बिछड़ते हैं इसी तरह, तो एक ना एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन उसके पीछे प्लीज़ इतने आंसू जितने बहाने हैं बहाइए, लेकिन अपने भगवान की शरणों में उनको रख के, उनको याद करके, उनके बाद उनको याद कीजिएगा, भगवान उनको ऐसी जगह पर बिठाएंगे, उनको इतनी शांति देंगे कि उनको अच्छा लगेगा। लेकिन डायरेक्टली ज़्यादा याद करते हो ना तो वो आप में बंधन हो जाते, और ये बात जिसके घर पे होगी ना
उनको ज़्यादा ये बात मेरी अभी टच होगी, क्योंकि अभी जब तक जिसके पास से वो गया नहीं है, आपके आसपास ही देख लो, जो मेरे ब्लॉग अभी देख रहे हो, आपके घर के आसपास देखो, खाली सुकून से सोचो कि जो मेरे आसपास है वो सब लोग जाने वाले, लेकिन जब भी जाए उसका प्यार इतना होना चाहिए कि उसको बंधन नहीं करना है, हमेशा हमारा जो भी हमारे आसपास जीव है उसका मोक्ष करता करना है। ये बात 100% याद रखना, जितना हो सकता है अपना पुण्य एकादशी है ऊपर दान कीजिए, वो सबसे महान दान है। पैसा तो कल खर्च हो जाएगा, लेकिन आपकी एकादशी, आपके पुण्य जब आप उनके ऊपर अर्पण करोगे तो उनका जीव की छोटी बड़ी जो भी गलती होगी वो सब माफ़ कर देंगे भगवान, और उनको उनकी शरण में ले लेंगे। तो अभी हम निकलते हैं नेसड़ी। सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ सुनी, और जब हम लौट रहे थे तब ऐसी दूसरी बैड न्यूज़ आई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सब लोग परेशानी में। हमारे फैमिली, हमारे जो धर्मिष्ठा भाभी है विद्यानगर रहते, उनके काकी बहुत छोटी उम्र थी अभी, वो गाड़ी से बाइक से जा रहे थे और गिर गए, और उनको माथे पे हैमरेज हो गया और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो जब हम जाने वाले थे श्रीमत में, तो पता नहीं अभी उसका क्या होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा। तो पापा शू थयुं थे हमने इने रसिक भाई ने जाता था आकड़िया मोटा आकड़ी जहाँ सांड लाता ने ई लोको वळता जमीन आवता था तण वगे गाड़ी बधी पड़ी गया अने हेमरे थई गयुं ने रसिक भाई ने थोड़ू वाग्यु छे आ एना घर ना देखो भावना बेन है जो अभी वो गाड़ी से जा रहे थे और उनको तकलीफ हो गई, तो ભગવાન ઉનકી આત્મા કો શાંતિ થાય। બે એવા સમાચાર આવ્યા સવારથી, કિંજલના મામા અને ભાવના બેન બે નાની, હજી આ છોકરા બાકી છે, લગ્ન કરવાનું બાકી છે। હા છોકરા બે, એ છોકરી બે, છોકરી ને એકના થઈ ગયા છે, છોકરાના બાકી બે છોકરા। અચ્છા હવે અટાણે રસોઈ કરે એવું કોઈ છે નહીં, એ મોટી તકલીફ થઈ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બસ આજ કા દિન એસા હૈ, બહોત હી સેડનેસ વાલા જા રહા હૈ। સુબહ સે કિંજલ ભી કુછ બોલ નહીં રહી, મતલબ બોલ રહી હૈ લેકિન ઇતના धीरे धीरे सब लोग काम करते जा रहे हैं, और अभी देखो इस तरह पैकिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा अभी ऑर्डर आ रहा है तो सब जा रहा है। यहाँ पर सारी भर दी है हमने, यहाँ पर भी भर दी है, और यहाँ पर मैं बेटी लगे पड़े वहाँ पर कुवर पाटू डाल दिए। अभी धीरे धीरे जितना हो सकता है हम बनाते जा रहे हैं। ये है दूधी, एक प्लेट तो डाल दी है, दूसरी प्लेट अच्छा दूधी भी जितना अच्छी ठंडक वाली है, ये ठंडक देती है। कुंवर पाटू से क्या होता है, बाल हमारा सिल्की होता है, कुंवर पाटू से वो रिजल्ट मिला है कि वो सिल्की रहता है ना, और दूधी ठंडक का, दूधी ठंडक का। बस यही चल रहा है अभी सुबह से, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है डालते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे अब सबका हेयर ऑयल हर रोज बनता जा रहा है और निकलता जा रहा है। थोड़ा सब्र रखिएगा, सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि अच्छी कमेंट से अच्छा फायदा हो रहा है। इनका हो गया है लैब टेस्ट, तो लैब टेस्ट होने के बाद यहाँ पर माँ बेटी की फोटो इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशंस के साथ अभी ये प्रॉपर आएगी, ताकि लोगों को इसका इंग्रेडिएंट सारा पता चले। ठीक है, तो इस तरह प्रॉपर हम अभी मार्केट में लाएंगे कि इसके सारी डिटेल्स भी हम बता पाए। जिस किसी को ऑर्डर देना इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करोगे तो आपकी पूरी प्राइस लिस्ट, अभी मसाला भी आ गया है तो दोनों मसाला और हेयर ऑयल सबकी प्राइस आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी, तो प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा। पोजीशन के भी है सवारे तो मखर खरे गया था। अरे पोजीशन के भी है, वो तो जो ही नो थे कि मारे ऊपर भी सारे ऊपर किंजल ना मामी ऊपर बहुत दुख आई पड़ी। हां ये तो बहुत बहुत रोता था, बीजा रोता रोता बोलता था, જિંદગી જીવવા માટે તો ફ્રી થયા હતા, હું એમ જ કહેતી હતી કે માન કરીને બિચારા ત્યાં દુઃખ આવી પડ્યું, 15 દિવસ પહેલા તો કેટલા ખુશી થી બધા મેરેજ હતા, લગ્ન કર્યા, ઘડીક માં તો કેવું ઘર ખાઈ ગયું, હા વિખાઈ ગયું બધું।
નાની ઉંમર બે પાછી એમને ઘરે કોઈ જમવા બનાવવાનું કોઈ હજી છોકરા બધા બાકી એટલે બહુ તકલીફ થાય પણ જેને ઘરે થયું જેને વીતી હોય તમારા ઘર પર વીતી છે મારા ઉપર વીતી છે એટલે આપને ખબર પડે શું કહેવાય હા એ તો છે એ એ ઘડી જ્યારે આપણને પેલા કોઈ ગુજરી જાય તો મને બહુ દુઃખ નો થતો આપણને એમ થાય કે આવું તો હોય પણ જ્યારે આપણી ઉપર આવે ને ત્યારે આપણે બહુ તકલીફ થાય ત્યારે આપણને એનો અહેસાસ થાય કે સારું આટલું બધું થાય ત્યારે બપોર ના હું આ તો કે ને મને આજ બપોર ના રોય મને એમ થયું કે બોલા લોકો બિચારા કોઈ રોટલા કરે એવું નથી અને કોઈ ઘર તો એની હું દશા થતી છે તારા પપ્પા ને હાલો તમે હતા દિવસ તો એને ગમે એમ કરી વયા જાય પણ રાત કાઢવી ને માણસ ને બહુ કઠણ છે રાત કાઢવી કઠણ છે જેમ જેમ રાત થતી છે ને એમ લાંબી થતી છે વિચારવાયુ થઈ વિચારવાયુ એટલે આજ સવારે નહીં બાથરૂમ માં રોતી હતી મમ્મી કે હું થયું ને દર્શક નોકરા વિચારા જેવા કર વિચારા ભણકારા જ વાગ્યા કર નકર નિંદર જ નાખે થોડું માથું ભારે ભારે થઈ ગયું મેં કહ્યું બાર વહી છે નકર અંદર અંદર વધારે થાય ફોન કરતા મને તો એમ કે હું ગોદડું ઉઠીને બે વર્ષ તો હું રોયો ઈ કે મારા છોકરા નો દેખાડે કે હું રોઉં છું એમ દિવસે નો રહું રાતે રહું એટલે જેને તકલીફ થઈ હોય ને એને જ ખબર હોય કે હું પોઝિશન છું દુનિયા તો કેવા વાળા ઘણા કીધું કેટલી ઉંમર આમ કર્યું મેં આમ કર્યું પણ એ અંદર આત્મા આપણે જાણે છે કે હું કામ કર્યું છે એ પણ અમને ક્યારે નથી દેખાડ્યું અમને ક્યારે આમ તમારા અમારા લાલજી મહારાજ નો ફોન હતો ને એને વાત કરી ને એને લાલજી મહારાજ કે તમે ઢીલા પડશો છોકરા નું થાય તો એટલા કઠણ થઈ ગયા ને તેને અમને દેખાડ્યું જ નહીં એટલા કઠણ થયા દર્શક ની હિંમત આપે તું બટા રોમા નગર હારા હારા અત્યારે પેલા થઈ જાય ઢીલા પડી જાય ઢીલા પડે તો પછી છોકરાઓ શું થાય પછી જયારે અમારે રિલેશન થાય ત્યારે વાત બધી કરે એમ કે હું છોકરા ને દેખતા ન રહું પણ રાતે ગોદડું ઉઠીને રોઈ લો એમ કે આપને આપને ઓલું આપને ધાસકો પડે એમ કે પુરુષ થઈને જો આ રીતના થાય તો સ્ત્રી એકલી કેમ રહી શકે એ તો સવાલ જ નથી એટલે જે સથવારો ઘણા એવા સમાજમાં લોકો છે કે નથી સ્વીકારતા એ કે બીજી વાર ની શું જરૂર છે અમુક નથી પણ એ તો જેને ખબર ભાઈ જે બોલે છે ને એના ઘરમાં એને એની ઉપર વીતે ને કે એકાદ પાર્ટનર જતો રહી ને ત્યારે એને ખબર પડે કે ત્યાં મોઢું હંતાડીને રોવું નો અમારી જેવા નો દીકરી હોય નો દીકરો હોય તો અમારે ક્યાં જવું છે નો સાસરિયામાં કોઈ હોય કે ક્યાંય કોઈ નો હંગાત નો દીકરો હોય ને તો હજી વાંધો ન આવે દીકરો હોય તો બાય ગમે એમ કરીને જીવી રહે હા જીવી રહે કે કાલ હવે દીકરો મોટો થઈ જાય પણ મારે તો કોઈ સહારો નતો એટલે મારે તો ગમે એમ કરીને કરવાનું જ હતું પણ હું તો હારો હથવારો ગોતી હતી ત્યાં તાર પપ્પા જેવો હથવારો મળી ગયો અને આ માણસ જેવો તમે કીધું દુનિયામાં કોઈ હશે નહીં એમ એટલે પપ્પાનો સ્વભાવ એટલે તાર પપ્પાનો સ્વભાવ અને મારો દીકરો હગો દીકરો હું એક વાર મૂકી દઉં એથી વિશેષ મારો દીકરો છે અને મારે એટલી હગી હોવી એવી ન હોય એવી મારા દીકરા જે દીકરી જે હોવ છે તમારે હવે કઈ ચિંતા નહીં કે તમારે તાલુ રાંધવા વાળા હતા એના બિચારા કોઈ કોઈ નતો કોની આગળ વાત કરી ભગવાન એના આત્મા શાંતિ આપે બસ આપણે પ્રાર્થના એ કરવાની કે એનો જીવ સદગત થાય શાંતિ આપે સદગતિ થાય અને એના છોકરાને સહન કરવાની શક્તિ આપે બસ 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 બીજું તો એ જ વસ્તુ સાચી છે બસ ઇસી તરહ આજ કા દિન હૈ આજ જ્યાદાતર બાત એસી કોઈ નહીં હોગી મસ્તી વાલી અભી એક દો દિન ક્યુંકિ મૂડ હી નહીં હૈ એસા સબકા કે બાત કર પાએ એક બેડ ન્યૂઝ થી તો દૂસરી બેડ ન્યૂઝ આ ગઈ ઠીક હૈ આજ કા વિડિયો હમ યહીં પે એન્ડ કરતે લાઇક શેર ઓર સબસ્ક્રાઇબ કર દીજીએ. Thank you.